आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से संबंधित ये वीडियो दो पार्ट्स में है, जिसमें पहले पार्ट में हमने आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी दी थी। आइए इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के बुनियादी भागों की जानकारी दे देते हैं। सभी प्रकार के कंप्यूटर्स में दो बुनियादी भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन भागों को कहते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सके। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को सही तरीके से चला सके, उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में शामिल सभी भागों को हम इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग उपकरण के रूप में बांट सकते हैं। हार्डवेयर उपकरणों के बारे में समझने से पहले आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ टेक्निकल शब्दों को समझा देते हैं, जैसे डेटा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है, यानी हम जो भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे डेटा कहते हैं, जैसे नाम, पता, इमेज, सूचना, आंकड़े इत्यादि। ये सभी इन्फॉर्मेशन डेटा के अंतर्गत आती है। फिर है इनपुट। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को भरना यानी कि डेटा को एंटर करना इनपुट कहलाता है। जब किसी भी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, मतलब कि जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर उस डेटा से संबंधित रिजल्ट देने के लिए उस इनपुट डेटा पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है और इसे ही प्रोसेस कहा जाता है। फिर है आउटपुट। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स की। कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है और इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की आवश्यकता होती है। सीपीयू में डेटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, और ये सभी इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। यहाँ डिवाइस से आशय है उपकरण। पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस। जैसा कि हमने आपको बताया, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में ये दिखाई पड़ रहे बॉक्स के अंदर एक पार्ट है, पर इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, इसलिए इस बॉक्स को भी सीपीयू कहा जाता है। इस बॉक्स में सीपीयू के अलावा अन्य कई पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव इत्यादि। सीपीयू यानी प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के पश्चात हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। फिर है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या डीवीडी। अब हम आपको बताते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। वे डिवाइस जो सीपीयू द्वारा इनपुट डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट प्रदान करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन इत्यादि। यहाँ हम आपको बता दें कि इनपुट दिए जाने के अनुरूप
आउटपुट डेटा हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन यानी मॉनिटर पर दिखाई देता है, और यदि हम चाहें तो प्रिंटर की सहायता से पेपर पर उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, या फिर स्पीकर से आवाज के रूप में भी आउटपुट मिल सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष काम को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही इसे छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर इत्यादि। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप इत्यादि। अब हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में समझा देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे यूजर को कंप्यूटर चलाने में आसानी हो, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में सहायता मिल सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉइड, मैक, ओएस इत्यादि। यूटिलिटी या सर्विस प्रोग्राम, जैसे कि एंटीवायरस। डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर इत्यादि। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। इनके जो प्रकार हैं वो हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए तैयार मिलते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप इत्यादि। और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी व्यक्ति या संस्था की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर या बैंक में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर। यहाँ हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक अलग भाषा में लिखा जाता है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। उदाहरण के लिए सी, सी प्लस प्लस, फॉक्स प्रो, विजुअल बेसिक, डॉट नेट इत्यादि। हालांकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, इसलिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। चूंकि ये सब टेक्निकल काम है, तो ये सीखने के लिए अलग से शिक्षा प्राप्त करनी होती है। आखिर में हम आपको बता दें कि विभिन्न कामों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। फिर भी कंप्यूटर बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो चल सकता है, पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। अभी तक हमने आपको वीडियो में जो बताया उससे आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए कई सारे उपकरण की जरूरत होती है, जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और इन उपकरणों का उपयोग करने या इन्हें नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और इनके बिना कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।